जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योति जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं कर्क लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रहों की कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं और कितने ग्रह इस कुंडली में योग कारक माने जाते हैं। पर उससे पहले बता दूं प्रिय दर्शकों, बृहस्पति गोचर में मेष राशि छोड़कर के वृष में जा चुके हैं, लेकिन आप इस बात का सदैव स्मरण रखिएगा, इसको दिमाग में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, कभी भी आपकी कुंडली पर गोचर एप्लीकेबल सटीक नहीं होगा। चाहे आपकी मेष लग्न की ही घर में चार कुंडलियां हों, हर एक पर वो अलग अलग एप्लीकेबल होगा। किसी विद्वान की सलाह लिए बिना गोचर के वहम में मत पड़िएगा, उसके अकॉर्डिंगली कोई चीज़ कर मत लीजिएगा जो कि आपको लॉन्ग रन में नुकसान दे। गोचर में राशि वो चाहे सबके लिए वृष में ही गया है बृहस्पति देवता, लेकिन सबके रिजल्ट्स टोटली अलग अलग होने वाले हैं। मैंने कुछ दिन पहले भी आपको इसकी जानकारी दी थी, उसके बाद भी मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए। आप स्वयं एनालाइज कीजिए या किसी विद्वान की मदद लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि आपकी कुंडली में बृहस्पति देवता की स्थिति क्या है, क्या वो अच्छा है। अगर वो अच्छा है तो वो आपकी कुंडली में पॉजिटिव मूवमेंट में आकर के अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आपकी कुंडली में बुरा है तो चाहे जहां मर्जी जिस भाव में मर्जी चला जाए वो टोटली रिजल्ट नेगेटिव देगा। ये उन ज्योतिष विद्वानों को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कृपया ऐसी गलत धारणाएं मत फैलाएं जिससे ज्योतिष विद्या पर से लोगों का विश्वास उठता चला जाए। अगर गोचर डिफाइन करना है तो कम से कम उसके रिजल्ट्स ना डिफाइन करें, क्योंकि रिजल्ट्स तो हर एक के लिए वेरिएबल होने वाले हैं। रिजल्ट्स हर एक के लिए बदलाव में अलग अलग आने वाले हैं, क्योंकि हर एक की कुंडली में वो प्रभाव अलग अलग दिखाने वाला है। डिग्री वाइज अलग होगा, युतियाँ अलग होंगी, प्लेसमेंट अलग होगी। ये ध्यान देना अति आवश्यक है। इसके बिना कैलकुलेशन करना किसी कुंडली की संभव ही नहीं है। आप जो जनरल प्रेडिक्शन करते हैं वो जनरल जनता उसके लिए वहम में आती है, तो जनरल जनता के लिए आप ऐसा ना करें। गोचर को कम से कम ऐसा डिफाइन ना करें जिस से आम जनता प्रॉब्लम्स में आए, आम जनता को चार किस्म के वहम डलें। तो गोचर सिर्फ नेटल चार्ट की अवस्था देखकर ही अप्लाई होता है, उसके अकॉर्डिंगली चलता है। जितने नेटल चार्ट पे अंश पे बृहस्पति या कोई भी ग्रह बैठा होगा उतने ही वो रिजल्ट देने वाला है। तो आम जनता को वहम में ना डाला जाए, उल्टा इस वहम से निकाला जाए, ताकि आम जनता समझ में आ पाए, उसके ये समझ में आ पाए कि गोचर अगर बदला है तो हर एक के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है। उसी लग्न के लिए हो सकता है वो पॉजिटिव हो, उसी लग्न के लिए हो सकता है नेगेटिव हो, क्योंकि ये नेटल चार्ट पे पड़ी हुई प्लेसमेंट उस ग्रह की आपको बताएगी कि वो कितना पॉजिटिव है या कितना नेगेटिव है। इसको लग्न के हिसाब से आपको बहुत सारे प्रिय दर्शकों ज्योतिष विद्वान डिफाइन करते मिलेंगे, जो कि शास्त्र सम्मत ही नहीं है, उसका कोई सिर पैर ही नहीं है, लेकिन अपनी बात कहने के लिए कुछ भी वो कह सकता है। वो आपको रिजल्ट नेगेटिव भी दे सकता है, पॉजिटिव भी दे सकता है। एक लग्न में ही उसके हर एक के रिजल्ट्स अलग अलग होंगे। आइए हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं सिखाने को। बात करते हैं कर्क लग्न की कुंडली। ये कर्क लग्न की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लग्न में ही चार नंबर लिखा है। चार नंबर के मालिक चंद्रमा देवता माने जाते हैं। चंद्रमा देवता इस लग्न कुंडली में सबसे योग कारक ग्रह बने। योग कारक की हमने डेफिनेशन दी थी, जहां बैठना, जहां देखना, जहां जाना, उस घर की वृद्धि कर देना। अगर चंद्रमा देवता 6-8-12 में बैठेंगे तो 6-8-12 घर की वृद्धि कर देंगे, क्योंकि वो कुंडली में एक सुप्रीम पावर है। तो चंद्रमा देवता इस लग्न कुंडली में अति योग कारक ग्रह माने जाते हैं। अभी आप कारक मारक की थ्योरी समझ लिए, बाद में साथ में मेरी कोशिश रहती है एक दिन कुंडली के कारक ग्रह समझाऊं, दूसरे दिन मारक ग्रह समझाऊं, साथ में एक या दो कुंडलियों के एटलीस्ट प्रैक्टिस करवा दूं, ताकि आपका दिल दिमाग उसे एनालाइज करने के काबिल बन जाए। तो चंद्रमा देवता इस लग्न कुंडली में अति योग कारक ग्रह बने, क्योंकि लग्न लॉर्ड बने, पहले घर के मालिक बने। पहले घर में चार नंबर लिखा है और चार नंबर के मालिक चंद्रमा देवता होते हैं। चंद्रमा देवता ने सूर्य देव को दूसरे घर का मालिक बनाया, यानी धन कुटुंब वाणी का मालिक बनाया। लेकिन प्रिय दर्शकों, एक बात याद रखिएगा, अष्टम टू अष्टम थ्योरी के मुताबिक ये एक ऐसे लग्न की कुंडली है जिसमें सूर्य देवता मार्कित्व की पदवी लेकर के बैठे हैं। अब ये बड़े ध्यान से समझने वाली बात है। बहुत सारे पोंगा पंडित ने इन दोनों की आपसी मित्रता समझ करके उन जातकों को
रूबी या माणिक धारण करवा देते हैं, जिन्हें थोड़ा बहुत धन का अभाव रहता है या परिवार साथ नहीं देता या बोल्डनेस नहीं होती। लेकिन इस लग्न कुंडली में रूबी धारण करना जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट तक देता है लॉन्ग रन में। अगर धन लेकर के आता है तो साथ में टेंशंस लेकर के आता है। उसका सबसे मूल और मुख्य कारण ये है क्योंकि इस लग्न कुंडली में चंद्रमा देवता, जो आपकी फिजिकल बॉडी है, ये सूर्य देवता उसी का एंटी तत्व माना जाता है। ये और किसी लग्न कुंडली पे एप्लीकेबल नहीं होता, चाहे वो स्कॉर्पियो लग्न की कुंडली हो, चाहे वो पाइसिस लग्न की कुंडली हो, उन पे एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि उनके मालिक का तत्व अलग अलग है। यानी स्कॉर्पियो लग्न की कुंडली हुई तो उसके मालिक का तत्व अग्नि है, अगर पाइसिस लग्न की कुंडली हुई उसके मालिक जुपिटर का तत्व वायु है। तो यहाँ चंद्रमा की राशि जल मानी जाती है और इसका मालिक चंद्रमा होने की वजह से उसका तत्व भी जल तत्व ही माना जाता है। तो यहाँ डबल डिसएडवांटेज हो जाता है। सूरज को अगर हमने एक्टिवेट कर लिया माणिक पहन करके, तो चंद्रमा देवता प्रॉब्लम में आने शुरू होते हैं, यानी आपकी फिजिकल बॉडी में दिक्कत परेशानियाँ शुरू अवश्य हो जाती हैं। सबसे मुख्य कारण उसका ये होता है कि अगर सृष्टि में अग्नि बढ़ जाए तो जल की कमी आ जाती है, अगर जल बढ़ जाए तो अग्नि की कमी आ जाती है, क्योंकि ये दोनों तत्व ऐसे हैं जो एक दूसरे को ख़त्म करते हैं। इसलिए दूसरे घर को भी सदैव मारक माना जाता है। चंद्रमा देवता इस लग्न कुंडली में योग कारक बने और सूर्य देवता इस लग्न कुंडली में मारक ग्रह बने। दर्शकों, बात करते हैं मंगल देवता की। मंगल देवता को चंद्रमा देवता ने दशम घर का मालिक बनाया, यानी कामकाज का मालिक बनाया। आपका प्रोफेशन, आपका लाइफस्टाइल, आपके एक्शंस, आप कौन सा प्रोफेशन सेटअप कर सकते हो, वो सारी चीज़ों का मालिक मंगल देव को बनाया। क्योंकि दशम भाव में यहाँ एक नंबर लिखा है और पंचम भाव में आठ नंबर लिखा है, पंचम भाव का मालिक भी मंगल देवता को बनाया। यानी पंचम भाव जिससे हम लव रोमांस देखते हैं, संतान देखते हैं, जातक का स्टमक देखा जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है, मेमोरी पावर देखी जाती है, विल पावर देखी जाती है, अनसर्टेन गेन्स देखे जाते हैं। और ये मंगल की साधारण राशि चंद्रमा देवता ने मूल त्रिकोण भाव में रख दी। बड़े ध्यान से इसको समझ लीजिएगा दर्शकों, चंद्रमा देवता ने मंगल की साधारण राशि को कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में रख दिया, जिसकी वजह से मंगल देवता इस लग्न कुंडली में योग कारक ग्रह बने। लेकिन अभी हम उसकी प्लेसमेंट्स की बात नहीं करेंगे, वो बात हम बाद में करेंगे। तो मंगल देवता दशम भाव के मालिक बने और पंचम भाव के मालिक बने, तो इस लग्न कुंडली में अति योग कारक ग्रह बने। उसके बाद बात करते हैं बृहस्पति देवता यानी जुपिटर की। बृहस्पति देवता रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन के मालिक बने और बृहस्पति देवता नवम भाव के मालिक बने। धर्म को मानना, पिता, विदेश यात्रा, ये चीज़ों के मालिक बने बृहस्पति देवता। तो बृहस्पति की साधारण राशि कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में आ गई। 1-5-9 कुंडली का मूल त्रिकोण भाव माना जाता है। तो बृहस्पति जो पाइसिस, जो उसकी साधारण राशि है बृहस्पति देवता की, वो कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में आने की वजह से बृहस्पति देवता भी इस लग्न कुंडली में अति योग कारक ग्रह बने। प्लेसमेंट्स की बात अभी मत कीजिएगा, वो हम प्रैक्टिस करते वक्त ज़रूर आपको बताएंगे। तो इस लग्न कुंडली में 3 योग कारक ग्रह बने। सबसे पहले बने लग्न लॉर्ड, जो के बने चंद्रमा देवता। उसके बाद बने मंगल देव, जो पंचम भाव के मालिक हैं और दशम भाव के मालिक हैं। उसके बाद बने बृहस्पति देवता, जो के छठे भाव के मालिक हैं और नवम भाव के मालिक हैं। तो योग कारक डेफिनेशन को इस तरह डिफाइन किया जाता है दर्शकों, मैं पहले भी कई एपिसोड्स में इसकी रिवीजन आपको करवाता रहता हूँ, बार बार इसको बताता रहता हूँ, ताकि आपको पक्का हो जाए और आपके खुद के ज्योतिषी बनने में ये एक स्तंभ की तरह साबित हो। योग कारक ग्रह जहाँ बैठता है, जहाँ देखता है, जहाँ जाता है, उस घर की वृद्धि अवश्य करता है। अगर वो रोग में चला गया तो रोग की वृद्धि करेगा, अगर वो ऋण में चला गया तो ऋण की वृद्धि करेगा, अगर वो व्यय में चला गया तो व्यय की वृद्धि करेगा, अगर ऑब्स्टेकल्स में चला गया तो ऑब्स्टेकल्स की वृद्धि करेगा।
योग कारक ग्रह कुंडली में सदैव योग कारक नहीं रहता, उसकी प्लेसमेंट हमें डिसाइड करके बताती है कि उसकी प्लेसमेंट हमें जिंदगी में प्लेसमेंट कितना अच्छा या कितना बुरा रिजल्ट देने वाली है। अगर योग कारक ग्रह सदैव योग कारकता के अच्छे फल देता तो कभी भी किसी ज्योतिष विद्वान की जरूरत ही नहीं पड़ती। दूसरी सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्रह के रिजल्ट निर्धारण करने से पहले, ग्रह का फाइनल विवेचन करने से पहले, उसे प्रिडिक्ट करने से पहले उसका डिग्री वाइज बलाबल जरूर देख लीजिएगा। ग्रह उतने ही रिजल्ट देने वाला है जितनी उसकी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी होगी, जो मैंने आपको पहले एपिसोड्स में डिटेल समझाई थी। अगर 0 से 6 डिग्री हुआ तो ग्रह 25% रिजल्ट देगा, अगर 6 से 12 डिग्री हुआ तो ग्रह 50% रिजल्ट देगा, अगर 12 से 18 डिग्री हुआ तो ग्रह जो है वो 100% रिजल्ट देगा, वो फुल फॉर्म में आ जाता है, भाव के पूर्णता मध्य में आ जाता है और पूर्ण 100% रिजल्ट देने के काबिल बनता है। अगर ग्रह 18 से 24 डिग्री में हुआ तो ग्रह वृद्ध अवस्था में, बुजुर्ग अवस्था में माना जाता है, वो कम रिजल्ट देता है। लेकिन अगर ग्रह 24 से 30 डिग्री में पहुंच गया, वो डेड अवस्था में आ गया, उसके रिजल्ट्स, ग्रेड ऑफ रिजल्ट्स जो है वो निल माने जाते हैं, वो किसी भाव के रिजल्ट ही नहीं देता। ये आपको सदैव स्मरण रखना होगा कुंडली की एनालाइजेशन से पहले। अगर आप ये करना सीख जाते हैं तो स्वयं की कुंडली लेकर के कम से कम आपको भटकना नहीं पड़ेगा। स्वयं की कुंडली खुद एनालाइज कीजिए, ऊपर गोचर अप्लाई कीजिए। जैसा ही आपको ये चीज़ें गोचर अप्लाई करना आ जाए ऊपर, आप अपनी कुंडली खुद एनालाइज करके सही उपाय तक पहुंच करके अपना जीवन यापन आसान अवश्य कर लेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने देखा कि कर्क लग्न की कुंडली में पहले घर का मालिक चंद्रमा देवता बना, मंगल देवता पंचम और दशम के मालिक बने जो कि कुंडली के योग कारक बने, क्योंकि त्रिकोण में और केंद्र में, एक जगह केंद्र में मिली, एक जगह मंगल देव को त्रिकोण में मिली। बृहस्पति देवता जो कि कारक ग्रह बने जो कि छठे और नवम भाव के मालिक बने, तो 3 ग्रह इस लग्न कुंडली में योग कारक बने। इसकी प्लेसमेंट्स भी आपको प्रैक्टिस में बाद में करवाऊंगा कि वो कितना अच्छा या कितना बुरा हुआ, ये बात सदैव आपको स्मरण रखनी होगी। तो आज प्रिय दर्शकों टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। बहुत से जातक आते हैं, बहुत से जातक मिलते हैं, बहुत से जातक सवाल करते हैं कि कोई राहु से परेशान है, कोई शनिदेव से परेशान है, कोई केतु से परेशान है, और सबसे बड़ी बात जो आज की डेट में कोई पंडितों से ही परेशान है, उनको यही समझ में नहीं आ रहा कि किस पंडित के पास जाया जाए। कोई काल सर्प के नाम पे लूट रहा है, कोई पितरों के नाम पे लूट रहा है, कोई गोचर के नाम पे ही लोगों को वहम डाल करके अपने पास बुला रहा है। तो दर्शकों ये बात सदैव याद रखिएगा, अगर घर में राहु शनि केतु का प्रभाव बड़ा हो तो नमक का पोछा लगा लिया जाए, तो नमक का पोछा लगाया हुआ राहु देवता की शांति का बहुत बड़ा इलाज माना जाता है। तो प्रिय दर्शकों आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।